तो फ्रेंड्स साउथ इंडियन बैंक की तरफ से वैकेंसी आ गया है क्लर्क का 2019 का। इसमें जो है सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं क्लर्क का कितना वैकेंसी आया है, कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साउथ इंडियन बैंक का, ठीक है। आप southindianbank.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें जाए तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 19/6/2019 से, और लास्ट डेट जो इसको अप्लाई करने का 30/6/2019 है, ठीक है। आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा 26/7/2019 होगा, इसमें एक ही टेस्ट होगा आपका, एक ही ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू बस। चलिए आगे देखते हैं, अब आप अलग अलग जोन से अप्लाई कर सकते हो, नॉर्थ जोन से, साउथ जोन से, ठीक है। नॉर्थ जोन में ये स्टेट आते हैं और साउथ जोन में ये स्टेट आते हैं, इन स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्थ जोन में आपका 75 वैकेंसी है, साउथ जोन में आपका 310 वैकेंसी है। एक फ़ायदा ये है कि आप जिस जोन से अप्लाई करोगे, जिस स्टेट से अप्लाई करोगे, उसी स्टेट में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन होना मिनिमम 60% मार्क अंडर रेगुलर कोर्स, ठीक है। आपका रेगुलर होना 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है, उसमें कोई भी गैप नहीं होना। आपका एज जो है 26 साल से ज़्यादा नहीं होना, 30/6/2019 को आपका 26 साल से ज़्यादा नहीं होना, ठीक है। जो कैंडिडेट लास्ट ईयर में है, आपके लास्ट सेमेस्टर में, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो है 30/6/2019 तक आ जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रोबेशन पीरियड की बात करें जाए तो आपका 6 मंथ का प्रोबेशन रहेगा, ठीक है। सैलरी की बात करें जाए तो सैलरी जो है आपका 31,540 रुपये आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जाए तो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये और SC ST कैटेगरी के लिए 150 रुपये, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपको southindianbank.com पे जाना है, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका 4 सेक्शन में होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जिसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जिसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जिसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 160 क्वेश्चन 200 मार्क्स और आपका 140 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आऊँगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4। तो फ्रेंड्स यही था इसके बारे में पूरा डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।